आइए लोग, ट्रेन जा रहा है, सुनिए ना आ जाता है। अरे नहीं बताइए, पहले काम से आता है, चलिए ठीक है। नमस्ते नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी खबर और अभी हम मौजूद हैं फतुहा में और वायरल गर्ल प्रिया सुहानी है मेरे साथ। आज जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे वायरल हुई है। सबसे पहले स्वागत है आपका, कैसे वायरल हुई सोशल मीडिया पे, किनके गाने पे वायरल हुई है? अच्छा, आप जो वायरल हुई है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा श्रेय किनका है वायरल कराने में? करिए कैमरा जो हो रहा है। कितना दिन से रील बनाती हैं? 3 महीने। अच्छा, कौन सा गाना है खेसारी लाल यादव का जिससे आप वायरल हो गई हैं? ये राजा कहियो माहौल खा के मर जाए। अच्छा, प्रिया जी से पहले सुनने में आ रहा है कि आप दुगोला उगला भी करती थी? हाँ करते थे। कहाँ पे जाती थी करने? कहीं भी आते थे, काम करते थे। कितना पैसा मिल जाता था दुगोला करके आप? 2500। एक नाइट का 2500 दुगोला करके। अच्छा, जब ये रील आपका वायरल हुआ तो वो जो कैमरा वीडियो बनाई थी, किसने बनाया था वीडियो? देखिए, अपने से कैमरा करके और रील बनाकर और अश्लील गानों पे, ये नहीं कि अश्लील गाने अश्लील कपड़े पे रील बनाकर वायरल हुए, साफ सुथरे गाने पे रील बनाकर वायरल हुए। आइए तमाम जानकारी लेते हैं। पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, पिताजी टेम्पू चलाते हैं। और कौन है घर में कमाने वाले? अभी तो कोई नहीं है, हम दोनों बहन हैं और पापा। अच्छा, आपका पढ़ाई क्यों छूट गया था? घर में कुछ खाने के लिए नहीं था तो मेरी दीदी अपने साथ में यहाँ पर काम करने के लिए हमको लेके चला। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं प्रिया जी? प्रॉपर बेगूसराय। यहाँ पे जहाँ पे रह रही हैं, यहाँ कितना दिन से रह रही हैं? 1 साल से हम रह रहे हैं, बख्तियारपुर में रहते थे और दुगोला में काम करते थे। अच्छा, आपका एल्बम भी कोई आया है इधर नया? हाँ, बोलबम का है, मतलब कुछ गाने वाने का। एक आज छूट भी गया है, आज भी रिलीज हुआ है कोई? हाँ, 2 गाना छूट गया है और आज ये गाने वाला है। छूट गया आज एक छूट गया है। अच्छा, आप जो साड़ी और बांध कर डांस की थी, ये स्टेप जो था ठुमका जो था, कहाँ से सीखी है? कहीं से सीखी है या आपने खुद करती हैं? ऐसे खुद करते करते आगे, मतलब स्टूडियो में रहती हैं या कहीं बाहर जाकर डांस क्लास में डांस सीखती थी? ऐसी मतलब कि रूम पर रहते थे तो गाना बजा के ऐसे रिवाइज करते थे। और आपको पूरा सोशल मीडिया पे, पूरे भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? ये कि जितना आप सपोर्ट किए हैं, आगे बहुत सपोर्ट आप सब किए हैं और ज्यादा सपोर्ट करते रहिए। और उन लड़कियों को क्या कहिएगा जो सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रही हैं, कम कपड़े पहन के अश्लील गानों पे डांस करके सोशल मीडिया पे अश्लील फैला रही हैं, उनको क्या कहिएगा आप? साफ सुथरा गाना पे वायरल हुई है, इसमें हम क्या कर सकते, सबको अपना अपना चॉइस है, आप कुछ नहीं कहेंगे उनको? अच्छा, आपके माता पिता का क्या रिएक्शन है? अगर आपके माता पिता देखे होंगे कि मेरी बेटी वायरल हो गई है, बहुत परेशान थे कि हाँ, मतलब एक नहीं होता है गरीबी टाइप से, तो अभी क्या कह रहे हैं आपके माता पिता? बहुत खुश है। अच्छा, आगे अगर खेसारी भैया आपको मिले, खेसारी भैया के गाने पे आप वायरल हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे खेसारी भैया से? हमको भी मौका दीजिए काम करने के लिए साथ में। अरे खेसारी भैया, अगर अचानक आपको मिल जाएगा तो उस टाइम एल्बम अगर कहे करने के लिए तो कर सकती हैं? इसके बाद मेरा ही। अच्छा, आपके बहन जो है वो गायिका है, गाना गाती है और वो अपने गायकी के साथ साथ आपको वायरल कराई है, क्या कहना चाहेंगे अपनी दीदी के लिए? आज कुछ भी है तो हम अपने दीदी को अधिक पढ़े। देखिए, माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं और यहाँ देखा जाए तो बहन ही अपने बहन को परवरिश करके और एक लेवल प्राप्त कराई है और सोशल मीडिया पे वायरल कराई है। आगे जो एल्बम आपका आएगा बड़े कलाकारों के साथ, कौन सा एल्बम होगा? या आपका जो ये बोलबम वाला है, इसमें काम की है, उसके सिंगर कौन है? दीदी ही सिंगर है। क्या नाम है आपके दीदी का? सपना सुहानी। देखिए, इनका दीदी एल्बम में काम करती है और ये भी एल्बम में काम की है और उस चैनल का नाम है अभिराज, क्या नाम है उसका? अभिराज हिट। अभिराज हिट पे और इनका जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है लगातार इन दिनों सुर्खियां मचा रही है। ये आप स्टेप देख सकते हैं, इनका जो डांस वाला स्टेप है बहुत ज्यादा वायरल है। अच्छा, आपके पिता जो है गरीबी से जूझ रहे थे, कुछ टाइल वाइल से चोट टोट लगा था, क्या माजरा है जरा दर्शकों को बता दीजिए? मतलब गोड़ कट गया था,
तब लोग पर हम टेम्पू लेके दिए। आप टेम्पू लेकर दिए हैं, देख लीजिए एक बेटी अपने पिता को लोन पर टेम्पू लेकर दी है कि पिताजी आप चलाइए और घर का भरण पोषण कीजिए। और किस्मत यहाँ पे सीधा बदल गया, सोशल मीडिया ने बदल दिया सुहानी प्रिया का किस्मत, और ये कमाएंगी और पूरे परिवार के लोग खाएंगे। तो पिताजी कितना कमा लेते हैं टेम्पू से? घर बहुत अच्छा से चला लेते हैं पिताजी। अच्छा आप कमाइएगा तो क्या कीजिएगा, आप अगर अच्छा से कमा रही हैं तो बनाएंगे। चलिए तमाम बातों को आप लोगों ने सुना, समय का ख्याल रखते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए 5 मिनट तो 5 मिनट नहीं है बस, और उसको बंद कीजिए जब तक मोबाइल में चार्ज रखिए। उसी माइक से कीजिए ना, माइक से तो नीचे उतर आ गया। नीचे उतर जाइए, नीचे उतर जाइए, सही बात बोली है। हालांकि जिनका एक मिनट वेट कीजिए, अभी जिनका अभी उतर जाने दीजिए सब लोग। चालू कीजिए भैया, लाइए कर देते हैं आपका। हाँ सब ठीक है, माइक नहीं है इसमें, खुशू कीजिए जूम। क्या करें, आइए ना चालू करते हैं, आइए चालू है आपका। भाई मोबाइल पीछे कर लीजिए, हाँ इनके में आइए, आपका हो रहा है, हो रहा है। आइए दोस्तों, बेगूसराय की लड़की रातों रात कमर ठुमका कर रातों रात वायरल हो गई। खेसारी लाल यादव के गाना पर ऐसा डांस की कि हर कोई दीवाना हो गया। तो अभी हमारे पास वही लड़की है, तो चलिए जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से वीडियो बनाई कि रातों रात वायरल हो गया और लमसम 25। देखिए साथियों, अभी जो है प्रिया सुहानी का इंटरव्यू चल रहा है, आपको हम दिखाया है और फिर से अभी दिखाने का प्रयास करें किस प्रकार से जो है प्रिया सुहानी का इंटरव्यू लगातार चल रहा है। एक गरीब की बेटी कैसे अच्छे सॉन्ग पे जो है रील बनाकर, जो गाना 15 साल पहले जो है विलुप्त हो चुका था, लेकिन उस गाने को फिर से ट्रेंडिंग में लाई है। चलिए फिर से हम प्रिया सुहानी का जो है इंटरव्यू दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए कितने तमाम लोग पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ तमाम क्रिएटर्स मौजूद हैं और देखा जाए तो लगातार अभी यहाँ नंबर वाइज जो है क्रिएटर्स का नंबर लिखा जा रहा है, नाम लिखा जा रहा है, उसके बाद में इंटरव्यू दिया जा रहा है। चलिए आपको मिलवाते हैं सुहानी से। अच्छा साड़ी पहनना ही पसंद है आपको क्या? मतलब ये नहीं होता है कि हम भी छोटे कपड़े पहनकर रील्स बनाए कि वायरल हो जाए? आप फुल ड्रेस में भी वायरल हो जाते हैं। अच्छा सबसे ज्यादा आपको पसंद कौन हीरो है? खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव का पसंद का वजह ये तो नहीं है कि आप उनके गाना पर रील्स बनाए और वायरल होगी? पवन सिंह क्यों नहीं पसंद है? वही पसंद है। अच्छा आप थोड़ा अपना स्ट्रगल बताइए कि आप इस क्षेत्र में कब आए? एक साल पीछे पीछे एक कैमरा एक साल से आप कैमरा में पीछे थोड़ा सा सब हम रील बनाने 3 महीना से और दुगोला हम काम करते थे। एक साल हो गया। दुगोला क्या होता है? बहुत कमेंट करके बताइए आप सभी लोग, कमेंट करके बताइए और शेयर करिए लाइव को ताकि और भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े। कितने लोग? बहुत है ना, बहुत है गाने वाले। शेयर करिए, आप लोगों से निवेदन है कि शेयर करिए ताकि प्रिय सुहानी का अभी तमाम बड़े संख्या में लोग लाइव से देख सके। मतलब क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? मतलब हीरोइन बनने का शौक है। आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? कोई भी कलाकार। हाँ खेसारी लाल यादव यदि आपको ऑफर देंगे तो आप जाना पसंद करेंगे? यदि कोई दूसरे स्टार ऑफर देंगे तो आप जाना पसंद करेंगे? अच्छा आप अपने आपके माता पिता नहीं कहते हैं कि आप रील्स बनाती है मेरा नाम कट जाएगा ऐसे वैसे समाज में? नहीं नहीं बोलते हैं। हाँ। बोलते हैं कि रील बनाओ लेकिन पर्दे के साथ हम लोग बना। कितने बना? अभी तो लंबा है। अच्छा आपके पापा क्या करते हैं? पापा टेम्पू चलाते हैं और आप मतलब ये गाना बनाते हैं, तो पापा मना नहीं करते हैं कि रील्स नहीं बनाओ, इस तरह से काम नहीं करो? नहीं मना करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अच्छा आपका घर कहाँ हुआ? बेगूसराय के रहने वाली ये लड़की है और आप सबसे पहले ये बताइए। आम भी आप लोग देख लीजिए, आम देखिए ठीक है। इनके चैनल का नाम ले लीजिए, इनके चैनल का नाम ले लीजिए। देखिए मतलब माइक नहीं लगाया है, साइलेंट भाई साइलेंट हो जाइए आप लोग, थोड़ा सा करने दीजिए। अच्छा देखिए किस प्रकार से उनकी साथ जो है यहाँ पे जो है
इंटरव्यू चल रहा है और प्रिया सुहानी जो है पूरे बिहार में और पूरे भोजपुरी में फेमस हो गई है। आपको हम बता दें कि लोग कहता है कि अश्लील गाने पे लोग फेमस होता है, लेकिन नहीं बल्कि पूरा वदन ढक करके और काफी भारत के संस्कृति सभ्यता को मानते हुए अच्छे से साड़ी पहन कर के जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। इस प्रकार से अगर तमाम क्रिएटर्स तमाम लड़कियां वायरल होते रहेंगी तो सब कोई सपोर्ट करेगा, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो सभी लोग जो है अश्लील तरीके से वीडियो बनाते हैं, अपना अंग दिखाते हैं, लेकिन ये सुहानी प्रिया जो है अपने बहन की मदद से रील्स बनाना शुरू की और मात्र आपको बता दे तो ये रील्स जो है मात्र 3 महीने से ही बनाती है और 3 महीने में बना करके जो है सोशल मीडिया पर पूरा धमाल मचा दी है। और आपको बता दे तो पटना में अभी हम लोग मौजूद हैं, पटना में लगातार 2 दिनों से इनका इंटरव्यू चल रहा है और लगातार कम से कम अभी तक हमारे अंदाज से बताए तो 200 से ज़्यादा चैनल पर इनका वीडियो होगा। और आपको हम बता दें कि अभी जो सुहानी का इंटरव्यू ख़त्म नहीं हो रहा है, लगातार यहाँ पे पत्रकार बंधु और क्रिएटर मौजूद हो रहे हैं और किस प्रकार से जो है उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जो है एक बिल्डिंग के ऊपर जो है छत पर उनका इंटरव्यू चल रहा है, तमाम क्रिएटर्स यहाँ पर मौजूद हैं और चलिए फिर से आपको हम दिखाते हैं सुहानी का इंटरव्यू, आपको हम दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन बता दीजिए, कुछ अरे फ्यूचर के बारे में बोलिए ना। देखिए अभी हम मौजूद है पटना में और आपको बता दे कि यहाँ का जो है प्रिया सुहानी का इंटरव्यू चल रहा है। आप लोग बड़ी संख्या में इसको शेयर करिए और देखिए काफी गर्मी है लेकिन फिर भी लाइव में आपको दिखाना पड़ रहा है कि प्रिया सुहानी का लगातार इंटरव्यू चल रहा है, बहुत तमाम क्रिएटर्स उनका इंटरव्यू चला रहे हैं। हम कहेंगे आप लोगों से निवेदन करके कमेंट करके आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है, प्रिया सुहानी कैसी लड़की है जो कि अच्छे गाने पर एक रील्स बना करके पूरे सोशल मीडिया पर धमाल मचा दी। तो कमेंट करके बताइए और इस लाइव को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और बड़े संख्या में लोग जो है जुड़े और बड़े संख्या में लोग जुड़ेंगे तो हम प्रिया सुहानी का किस प्रकार से और कैसे इंटरव्यू हो रहा है आपको हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा सा बातचीत हो रहा है इसलिए मैं सोचा कि मैं अपना बात भी आप सबके सामने रख दूं। तब तक आप लोग क्या करिए कमेंट करके बताइए इनके पिताजी, देखिए कमेंट में आ रहा है कि इनके पिताजी क्या करते हैं, तो इनके पिताजी जान लीजिए, इनके पिताजी जो है लोन पे ये कमा करके जो लोन पे है उनको टेम्पू खरीद के दिए तो वहीं चलाते हैं। और आप लोग कहाँ से हैं कमेंट करके बताइए और इस लाइव को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बड़े संख्या में लोग जुड़े और इस लाइव का आनंद उठाए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए फिर से हम लेकर चलते हैं प्रिया सुहानी के पास और प्रिया सुहानी के पास लेकर चलते हैं, उनको उनका इंटरव्यू दिखाएंगे, उसके बाद फिर से हम आपके साथ जुड़ करके कुछ बातचीत करेंगे। देखिए देखिए आप लोगों से नर्म निवेदन है कृपया आप लोग शेयर करिए लाइव को और प्रिया सुहानी की सिस्टर को भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और लाइव में से जो भी साथी जुड़े हैं सब किसी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप लोग जो है सपोर्ट करिए प्रिया सुहानी का। और प्रिया सुहानी एक ऐसी लड़की है जो कि आज तक देखा जाए तो ज्यादा गलत गाने पर रील्स नहीं बनाई है और अच्छे गाने पे बनाई है। और प्रिया सुहानी का एज बता दे तो 16 साल की और 16 साल की उम्र में पूरे बिहार में जो है अपने हुनर के दम पे जो है धमाल मचा करके रखी है और तमाम वो क्रिएटर हैं जो उनका इंटरव्यू लेना पसंद कर रहे हैं। साथियों आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे तमाम वो लोग हैं जो कि प्रिया सुहानी का इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए और देख सकते हैं आप लोग यहाँ किस प्रकार से भीड़ लगा हुआ है। आप लोग देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं और किस प्रकार से जो है उसका इंटरव्यू के लिए। अभी प्रिया सुहानी बता दे तो हो गई हैं थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए क्योंकि सुबह से वो इंटरव्यू दे रही है और सुबह से इंटरव्यू दे देकर जो है थोड़ा सा थक गई है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आपसे 2 मिनट के लिए चले जाइए लाइव में, नीचे बात करिएगा, क्या कहिएगा लाइव में, क्या कहेंगे। प्रिया सुहानी तो बहुत अच्छी लड़की है क्योंकि आपने ऐसे लड़की तो
कहीं देख चलिए चलिए ना आप लोग भी आइए चलिए ठीक है और तमाम लोग चलिए हम लोग भी ठीक है ठीक है भैया हम क्या हम यही रहेंगे हम बोलेंगे ठीक है भैया हम यही ठीक है क्या होगा मेरा नंबर ये भैया जो हमको बोल रहे हैं चलने के लिए लेकिन आप लाइव आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है साथियों आपसे हम कहना चाहेंगे जो भी लाइव में जुड़े हैं कृपया आप लोग शेयर करिए और आप कहाँ से हैं ये भी कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप लोगों के साथ लाइव से जुड़े बात करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऐसे ही लाइव में हमेशा जुड़ते रहिए और बात करते रहिए और तमाम लोग हैं और जिस प्रकार से प्रिया सुहानी है ठीक है अभी फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे तब तक ले जिसका हो गया तो मजा मार रहा है कोई दिक्कत नहीं हम लोग कल से आए हम लोग अपने हम लोग तो नीचे जाइएगा तब फिर से प्रिया सुहानी का दिखाने का बात कर थोड़ा सा चलते हैं हम नीचे क्या हो रहा है देखिए कैसे लोग आए हुए हैं यहाँ पे सब लोग आ गया जो वहाँ भैया आ जाइए सब कोई आ गया नहीं आप लोगों कहियो वो अपन देखिए काफी गर्मी का भी मौसम है और आपको बता दे प्रिया सुहानी अच्छी लड़की है और अपने हुनर के दम पे अपने टैलेंट के दम पे जो है वायरल हो रही है ये अच्छी बात है कि सब कोई चाहता है कि सोशल मीडिया पे हम भी वायरल हो तो वायरल हो ये इस प्रकार से अगर आप वायरल हो रहे हैं तो आपको सब मीडिया और सब तमाम वो लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि भारत के संस्कृति सभ्यता को मानते हुए एक कैसे साड़ी पहन करके जो है वो वायरल होती है और साड़ी पहनकर वायरल हुई है तो अच्छी बात है सब कोई चाहता है कि हम भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएं तो होइए आप लोग अच्छे से होइए और अच्छे से साड़ी पहन करके अच्छा कपड़ा पहन करके आप लोग वायरल होइए और इस लाइव में जो भी साथी जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो भी लाइव में जुड़े हुए लोग हैं और बड़े संख्या में लोग जुड़ेंगे और प्रिया सुहानी का इंटरव्यू दिखाने का आपको हम प्रयास करेंगे और अभी हम लोग पटना में हैं और पटना में लगातार दो दिनों से जो है प्रिया सुहानी का इंटरव्यू चल रहा है और कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल खोलेंगे तो आपके मोबाइल में सबसे पहले प्रिया सुहानी का वो वीडियो आएगा जो कि गाने का बोल है बहुत पुराना सॉन्ग है 15 साल पुराना सॉन्ग है जो कि वो गाना फर्स्ट टाइम में गाए थे गोपाल राय गाए थे लेकिन उसी को फिर से कॉपी करके खेसारी लाल यादव गाए तो उसी गाने पर जो है ये प्रिया सुहानी ट्रेंड आज कर रही है और धमाल मचा रही है आपको बता दें उस गाने का बोल यही है कि राजा कुछ कर जाइब और तमाम लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं बेगूसराय में किस गांव की रहने वाली है देखिए बेगूसराय की ये लड़की है और अभी जो है पटना में रहती है एक स्टूडियो में और उसका बड़ी सिस्टर जो है वो भी यहाँ पे स्टूडियो में रहती है उसके बड़ी सिस्टर जो है सिंगर है और ये दुगोला पे बता रही है कि हम डांस करते थे और दुगोला में डांस करते करते जो है एक सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे अपना एक आईडी बनाती है और आईडी बना करके जो है सोशल मीडिया पर आज मात्र 3 महीने से वीडियो बनाती है एक वीडियो ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया पर धमाल मचने लगा बाकी तमाम वो साथी हमारे इस लाइव से जुड़े हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोग इस लाइव से जुड़े और प्रिया सुहानी का इंटरव्यू देखे और आप लोग थोड़ा और बने रहिए और शेयर करते रहिए लाइव को क्योंकि और भी हम प्रिया सुहानी का इंटरव्यू आपको दिखाने का प्रयास करेंगे देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोई कार से आया है कोई बोलेरो से आया है कोई अपने बाइक से आया है बहुत दूर दूर से यहाँ पे पत्रकार साथी आए हुए हैं लोग और सबसे विशेष और सबसे मुख्य बात यह है कि ये लड़की जो है थोड़ा भी अश्लील तरीके से वीडियो नहीं बनाई है और अच्छे से वीडियो बना करके जो है वायरल हुई है सोशल मीडिया पर कहाँ से आए हैं भैया हम लंदन से आए इनका वीडियो बनाने के लिए भैया लंदन से जी जी बिल्कुल लंदन से अच्छा झूठ बोल रहा है नहीं हमें झूठ क्या बोलना है भैया पासपोर्ट है क्या आपके पास देख लीजिए बैग में पड़ा है आपका एज कितना है एज 18 साल 18 साल में सही आप विश्वास नहीं कर रहे हैं चले गए देखिए भाई ये भाई लंदन से आए हैं भैया नंबर है मेरे पास चलिए फिर बाद में मिलते हैं तब इनका नंबर है ना लंदन से वो कॉल आया है अच्छा उसका टाइम आया 4 बजे इंटरव्यू अच्छा लंदन से इंटरव्यू करें अच्छा प्रिया सुहानी जो है लड़की आप ही इंटरव्यू दिलवा रहे हैं हाँ ये मेरा भैया का विराज स्टूडियो है तो इसी में आप स्टूडियो में रहते हैं तो प्रिया सुहानी कैसी लड़की है बहुत अच्छा लड़की बहुत अच्छी लड़की है बहुत मेहनत करती है लेकिन आपको लगता है कि सफल हो जाएगी प्रिया सुहानी
भगवान ने करे और ऊपर मैं बढ़े बेचारी। देखिए इतना रिपोर्टर और इतना क्रिएटर को हम नहीं देखे थे कि एक अच्छे गाने वाले क्रिएटर के पास आई। अब बहुत सारे लोग आए हुए, अभी भी दो दिन से लगातार इंटरव्यू चल रहा है और प्रिया सुहानी थक नहीं रही है, सबको इंटरव्यू दे रही है, 5 मिनट ही बोल रही है लेकिन आप लोग का प्यार दुला रहे हैं। बाकी अगर प्रिया सुहानी आगे बड़े लेवल पे जाती है तो आप लोग उसके साथ रहेंगे हमेशा, हमेशा सपोर्ट करते करते रहेंगे। अच्छा, और यहाँ पे लाइव में जो भी लोग जुड़े हैं उनको आप क्या कहेंगे? उसे यही कहेंगे जो भगवान आगे मैं उनको बढ़ाए जी, और उनका आईडी का फॉलो करें। अच्छा, सब वीडियो देखें। हम भी आज म्यूजिक हिट पर अभी गाना छूटा है, जाके उस पर देखिए। देखिए अभिराज म्यूजिक पे जाइए, उस पर भी गाना छूट गया है प्रिया सुहानी का, और उसका गाने का भी आनंद लीजिए। और प्रिया सुहानी इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा तो एक नंबर पे आ जाएगा, लगभग 1,000-1,00,000 से भी ज़्यादा उनका जो है फॉलोअर्स कंप्लीट हो गया है। आप लोग उनको सपोर्ट करिए ताकि अगर कोई वायरल होता है और वायरल होने के बाद 1 महीना बाद फिर से ब्लूक तो नहीं करवाना है, क्योंकि ऐसे लड़की और ऐसे लड़का हर जगह नहीं मिलते हैं। देखिए अपने पिता का जो है पैर कट जाता है, और पैर कट जाता है तो वो घर पर रहने लगते हैं, और ये इनका बड़ी बहन जो है, इनका बड़ी बहन जो है स्टूडियो में कमा करके इनको भी बुला कर लाई, और ये दुगोला पे डांस करती थी, 2,000-4,000 रुपया उनको मिलते थे, वहीं रुपया इकट्ठा करके जो है उनके लिए एक लोन पर रिक्शा निकालती है और वहीं देती है अपने घर परिवार चलाने के लिए। अभी वहीं वो काम करते हैं और प्रिया सुहानी जो है धमाल मचा दी है। तो बाकी आपको हम कहना चाहेंगे कि ऐसे लड़की को आप लोग सपोर्ट करिए, और इस चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं इसके भी, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम वो लोग हैं जो कि इस सच की ताकत न्यूज को भी फॉलो करें और सच की ताकत न्यूज से जुड़े, और जुड़ करके जो है ऐसे ऐसे आनंद ले जैसे कि पूरे बिहार और झारखंड के सबसे फास्ट न्यूज देने वाला ये सच की ताकत न्यूज है। आज तक आप लोगों को कोई ऐसा न्यूज नहीं मिला होगा जो कि हम निष्पक्ष न्यूज दिखाते हैं, और इस चैनल पे प्रॉपर काम करने के लिए हम हैं रिपोर्टर सूरज कुमार जो कि आप सभी को सबसे पहले न्यूज देते हैं। और अभी हम लोग पटना में लगभग 2 दिनों से आए हुए हैं, और यहाँ से कौन सा अच्छा मिलता है वहाँ पे हम लोग जाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए लगातार इंटरव्यू दे रही है प्रिया सुहानी लेकिन थक नहीं रही है। देखिए कितना मेहनत करने वाली लड़की है तब जाकर के जो है अपने मंजिल तक कोई पहुंच पाता है, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। बाकी और भी तमाम लोग इस लोग लाइव से लोग जुड़े हैं, और 1 घंटा के बाद फिर से हम इसी चैनल से लाइव आएंगे। तब तक के लिए इस लाइव से हम थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, और लाइव हम आपको कंटिन्यू चलाएंगे और कंटिन्यू आपका जो है प्रिया सुहानी का इंटरव्यू दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा आप लोग भी जाइए, नाश्ता पानी कर लीजिए, खाना वाना खा करके, और फिर इस लाइव से जुड़ने के लिए तैयार रहिए। 1/2 घंटा के बाद फिर से हम आपको लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे। इस लाइव से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशहाल रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।